तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजकर। आदित्य, आपके प्यार ने हमारी जिंदगी सवारी। जो भूल हमसे हुई उसके बाद हमसे खफा होने के बावजूद आपने जिस तरह से हमारा साथ दिया है, हमारे अब्बू को ले आए, शायद ही कोई पति अपनी पत्नी के लिए इतना करे। जोया प्लीज, अब और गिल्टी मत फील कराओ, सुनो मेरी बात। शायद आगे भी तुमसे लड़ूं झगड़ूं, कभी कोई गलती करूं, प्लीज मेरा साथ मत छोड़ना। कभी नहीं। आपका साथ छोड़ने से पहले हम सांस ही लेना छोड़ देंगे आदित्य। आपके लड़खड़ाने से पहले हम आपको संभालेंगे। आप पर कोई भी मुसीबत आने से पहले ढाल बनके उसे टालेंगे। और जो कोई भी हमारे बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है आदित्य, उसे हम बख्शेंगे नहीं। आदित्य, हमें एक्चुअली काम याद आ गया है। मेरी मदद चाहिए? नहीं, अब्बू के लिए गिफ्ट लेना है हमें। तो जाओ। अरे, ऐसे क्या पूछ रही हो? I'll see you at home. जी। सॉरी आदित्य, आपसे झूठ बोलकर जा रहे हैं, लेकिन ये जो औरत है जो हमारे घर को तोड़ना चाहती है, इसका राज आज हम खोल कर रहेंगे। वो लड़की अब तेरे पति पर छेड़खानी का इल्जाम लगाने वाली है। कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पे मशीन्स का कितना आवाज होता है। मैंने तो सोचा था कि वो भीगी बिल्ली की तरह दुबक जाएगी, लेकिन वो तो पलटवार कर रही है, पंजे भी मार रही है। लगता है हकीकत से उसका सामना करवाना पड़ेगा। बहुत शौक है उसे पत्नी धर्म निभाने का। अब देखती हूं अपने पहले पति के लिए क्या करती है ये। जिस रोड पर एक्सीडेंट हुआ वहां का सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखकर साफ साफ पता चलता है कि यश और पूजा के मौत के पीछे किसका हाथ होगा। अब मैं देखती हूं कि तू क्या करती है जब तेरे सामने सच आ जाएगा। जोया, तैयार हो जा। क्या लॉयर के बेटे हो तुम? तुम तो खुद लॉयर हो। आज तक लीगल एक्शन लेना नहीं आया तुमको? वाह, एक्चुअली लीगल एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं थी। जोया ने ऐसा लीगल एक्शन जमा के दिया है, उसके गाल पे अगले 5 दिन तक याद रहेगा, उसे छपा हुआ रहेगा यहाँ पर।
हाँ वो ठीक है आदि, लेकिन ऐसे लोगों को कानून का डर दिखाना बहुत जरूरी होता है। डैड डर क्या, खौफ। उस लड़की के अंदर जोया का खौफ बैठ गया होगा अभी तक। अब वो कभी किसी को नहीं सताएगी इस तरह। जोया नहीं, जोया भाभी बोला करो। जोया बोलू या जोया भाभी, सबसे पहले तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर आपकी बहू जो है ना पक्की है। वहां खड़े खड़े उसने कोर्ट भी सेटअप कर दिया था, एविडेंस भी लेकर आए और डिसीजन भी सुना दिया। हम में से किसी ने नोटिस नहीं किया था कि नूर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन डैड, जोया भाभी ने हर एक चीज नोटिस की थी। अर्जुन, 5 सेकेंड थॉट्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उस लड़की ने ऐसा किया क्यों। खुद आई, जबरदस्ती मेरे साथ डांस किया, उसके बाद चीखी चलाई, मुझे पे इल्जाम लगाया क्यों। अरे हो सकता है वो पहचान गई हो कि तुम आदित्य हुड्डा हो। उसने सोचा होगा कि बड़ी मछली है, आसानी से फंसा लूंगी। लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि आदित्य हुड्डा अकेला नहीं है, जोया भी उसके साथ है। अगर सिर्फ पैसे वैसों की बात होती तो प्राइवेट में थोड़ा सा साइड बाइट में ले जाके कुछ करती, ऐसे पब्लिकली उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, बहुत पर्सनल लग रहा है। अच्छे, why do you discount the fact आदि कि तुम यंग हो, हैंडसम हो, डैशिंग हो, अब उस लड़की का दिल भी तो आ सकता है। वो बात नहीं है, बात ये है कि वो आई, उसने कुछ नहीं किया, वहां किसी के साथ डांस नहीं किया, सीधा मेरे पास आई जैसे कि मैं उसका टारगेट था। भाई इसमें कोई प्लानिंग लग रही है मुझे। अर्जुन, नूर से बात कर, वो वीडियो मंगवा। मैं ट्राई करता हूं। भाई आदि, मेरी बात क्यों दोबारा उसी में घुसकर अपना मूड ऑफ करता है? वैसे जोया का मूड कैसा है, है कहां वो? हाँ वो अपने बुक ले गिफ्ट लेने के लिए, आज उनका बर्थडे है। ए बेटा, तुमसे शादी करके सोया ने बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है। अपनी पूरी फैमिली के अगेंस्ट गई है वो लड़की, और यहां आकर भी वो देख ही रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, सब कुछ उसके खिलाफ ही जा रहा है। फिर भी वो लड़की मुस्कुराती रहती है, बार बार कोशिश करती है, और आज इस तरह का भरोसा उसने तुम पर दिखाया ना, काबिले तारीफ है आदि। देख बेटा, जो भी नाराजगी या मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, भूल जा उसको और अपनी बीवी पर कॉन्सेंट्रेट करो। याद रखना सन, हैप्पी वाइफ मींस हैप्पी लाइफ। आप सही कह रहे हैं पा। गॉड ब्लेस। थैंक यू पा, आप सही कह रहे हैं। मैं जोया के लिए कोई स्पेशल प्लान करता हूं। मां तो गए हैं यहां पर, लेकिन इन्हें ढूंढे कैसे? बोलिए। अरे मुझे तो लगा था कि तू फिर से फोन फेंक देगी, मुझसे दूर भागेगी, मगर मानना पड़ेगा। जोया तुझमें तो हिम्मत आ गई बहुत। हिम्मत तो हम में हमेशा से ही थी, लेकिन अब हम आपकी हिम्मत का इम्तिहान लेंगे। हमेशा आपने वार किया है ना, लेकिन अब हमारी बारी। सर अपनी जबान संभाल, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तेरी जबान की वजह से तेरे किसी अपने को सजा मिल जाए। ये धमकियां देना बंद करें आप, इन धमकियों से अब हम डरने नहीं वाले, समझिए। क्या करेंगी आप, हमारे पति पर और इल्जाम लगाएंगे?
या फिर हमारा हमारा मजाक बनवाएंगी? और देखिए, आपको जो करना है कर लीजिए, अब हम आपसे नहीं डरने वाले। समझिए, आपका जो भी घटियापन दिमाग में चल रहा है, हम उससे अब नहीं डरेंगे। ये तो छोटे छोटे नमूने थे। जो असल में तेरे साथ होने वाला है उसका तो तुझे अंदाजा भी नहीं है। खूब अंदाजा है हमें। क्या कर लेंगी आप? छुप कर जो वार करते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? लोगों को एक दूसरे में लड़वा सकते हैं। क्या करेंगी आप? अगर हिम्मत है तो सामने आए। छुपकर बचकाने खेल खेलने वाली दो टके की औरत है आप। बस क्यों? अपना अपना सच सुनकर बुरा लगा आपको? हाँ बोलिए। हमारे ख्याल से आज का आपका दिन काफी बुरा जा रहा है। पहले आपकी भेजी हुई इस लड़की को हमने थप्पड़ मारा। सच कहिए, ऐसा नहीं लगा कि वो थप्पड़ हमने आपको मारा? बंद कर लड़की। हमने तुझे मौका दिया था, सोचा था कि पूरी तरह से तुझे बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन अब जोया, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तू खून के आंसू रोएगी, पछताएगी कि तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी। कहीं ये बाजी उल्टी ना पड़ जाए आप पर, कहीं आप ना पछताए। वैसे एक बार मिलना जरूर चाहेंगे हम आपसे। ये जो खेल आपने शुरू किया है ना, इसे खत्म हम करेंगे। एक बार हिम्मत करके हमारे सामने तो आए। हेलो, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है, जल्दी आओ। We'll be right back.
चलो भागो जल्दी। रुकिए। अरे मैडम क्या कर रही हैं आप, कुछ हो जाता आपको तो। आप पहले बताइए ये लोग कौन थे। ये लोग इसी बिल्डिंग में से निकले, आप यहाँ के वॉचमैन हैं ना। इसी बिल्डिंग में से? जी। मैंने तो कभी नहीं देखा, कौन सा फ्लैट नंबर था इनका? 708 फ्लैट नंबर। 708 फ्लैट नंबर तो खाली है। नहीं भैया, हम 708 में कोई था, वही थे अभी। आप बताइए ये लोग कौन है और कहां से आए हैं। आइए आइए मैडम, मैं आपको दिखाता हूँ, खाली है वो, आइए। ये उन लोगों ने ही ताला लगाया होगा। मैम मेरे पास सारे फ्लैटों की डुप्लीकेट चाबियां हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये फ्लैट खाली और है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई था। हम अब ताला खोलिए, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा अंदर से। मतलब आप मेरी नौकरी खा जाएंगी, मैं नहीं कर सकता ये। देखिए आपकी नौकरी वैसे ही खतरे में है। अगर अंदर कोई था और आपको इस बारे में पता नहीं है तो आपकी नौकरी तो वैसे ही खतरे में है। पता नहीं कौन से लोग होंगे अंदर, कुछ बुरा कर रहे होंगे तो। और अगर हमसे किसी ने पूछ लिया ना, हम तो कह देंगे कि हमने आपको आगाह किया था। तो खोलिए प्लीज। ठीक है मैम। आपको लाना ही नहीं चाहिए था, चलिए। हम कह रहे हैं आपको, हमने यहाँ पर किसी को देखा था। हम माफी चाहते हैं आपसे, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को यहाँ देखा था। मैम मैंने आपकी तसल्ली के लिए खोल दिया था, अब आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। ऐसे कैसे हो सकता है, हमने देखा। आज तो सारा का सारा खेल ही बिगड़ गया था। सोचना पड़ेगा कि अब आगे क्या करना है। देखना कि थोड़ी देर के लिए मुझे कोई परेशान ना करे। हाँ बोल। लड़की घर के अंदर गई थी, लेकिन मैंने सब साफ कर दिया था, उसे कुछ नहीं मिला। चल ठीक है, मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। पहले
वैसे नजाकत तो लड़की में कूट कूट कर भरी हुई, लेकिन मर्दानी भी है, क्योंकि हुडा परिवार के वारिस को सिर्फ सहारा देने वाली नहीं बल्कि हिम्मत देने वाली बहू मिली है। अब तो मेरा काम पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, पर अच्छा है जोया, क्यों पता है? क्योंकि दुश्मन जितना दमदार होता है ना, उसको हराने में भी उतना ही मीठा मीठा स्वाद आता है। जैसे अब मैं तेरी हिम्मत तोड़ूंगी, धीरे धीरे। वैसे आज तो कलेजा मेरा मुंह को ही आ गया था जब तू मेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई थी। लेकिन जोया, अब मैं तुझे और कोई मौका नहीं दूंगी। साए की तरह मैं तेरे इर्द गिर्द मंडराती रहूंगी। अब तो राम ही नैया पार लगाए। ये जो कोई भी है ये अकेला नहीं है, इसके साथ और भी लोग काम कर रहे हैं। बस ये किसी ना किसी बहाने आदित्य को सबके सामने गलत साबित करना चाहते हैं। ये जो भी है, आदित्य से कोई ना कोई तार जुड़ा है इनका। और नहीं रुकेंगे, हम आदित्य को भी जाकर सब कुछ बता देंगे। अभी फॉर मोर अपडेट्स लॉग ऑन टू colorstv.in.com, लाइक अस ऑन facebook.com/colorstv, फॉलो अस ऑन twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.